असल में स्टूडेंट्स, आज मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और लोडर एनिमेशन पेज बनाने वाले हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बुक लोडिंग पेज बनाया था, तो कैंडली जिसने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा, पहले ऊपर आई वाले बटन पर क्लिक करके मेरा पिछला लेक्चर चेक कर ले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना एक फोल्डर बना लें, आप नाम इसका रख दें लोडर एनिमेशन या लोडिंग एनिमेशन। उसके बाद यहाँ पर अब हम अपना सबलाइम टेक्स्ट खोल लेते हैं। उसके बाद इसको सेव करें सबलाइम टेक्स्ट को। तो यहाँ पर आपने फोल्डर बनाया है, वहीं पर इसका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम रखना है। इसको मैं अपने ब्राउज़र पर खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एचटीएमएल, ठीक है। इसका मैं लिख देता हूँ लोडर पेज। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आप लोगों ने डिव दे देना है, क्लास होगी प्री लोडर, और ये हमारा एचटीएमएल वाला काम ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं अपने सीएसएस वाले काम पे। इसमें हम लोग पहले बॉडी पे काम करते हैं, ठीक है। इधर मैं पहले स्टाइल का टैग दे दूँ, स्टाइल ये हटा देता हूँ। अब इसके अंदर बॉडी, ठीक है, इसके अंदर मार्जिन, पैडिंग और विड्थ, और इसके साथ में हाइट और बैकग्राउंड सिर्फ, ठीक है। तो मार्जिन और पैडिंग होगी हमारे पास 0, विड्थ होगी 100%, हाइट होगी 100 VH, ठीक है, और बैकग्राउंड हमारे पास होगा लीनियर ग्रेडाइट (45°), #EE0979, ठीक है। कॉमा लगा देता हूँ एक और, इसमें FF6A00 मैंने कोड लिखा है। तो अब आ जाते हैं अपने प्री लोडर वाले पे, डॉट प्री लोडर विथ हाइट पोजीशन बैकग्राउंड कलर और साथ में मार्जिन, खाली मार्जिन, ठीक है। मार्जिन होगा 50px ऑटो, पोजीशन होगी रिलेटिव, हाइट 50px और विड्थ भी 50px, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमारे पास होगा RGBA255, 255, 255, 255, 0.2, ठीक है। अब हमने काम करना है डॉट प्री लोडर बिफोर, ठीक है। उसमें हम ले आते हैं कंटेंट, जो कि मेरे पास सिर्फ यही होगा, हाइट विड्थ पोजीशन तो हाइट और विड्थ दोनों 10px हैं, 10px एब्सोल्यूट पोजीशन। आगे मेरे पास आता है बैकग्राउंड कलर, जो कि मैं वाइट दूंगा, साथ में बॉर्डर रेडियस और एनिमेशन। तो बॉर्डर रेडियस मैं दे देता हूँ 10px, एनिमेशन में हम लिखेंगे प्री लोडर, ठीक है, 2S इज इन
out and final. ठीक है, बंद किया। अब इसके बाद आप ये सारा कॉपी कर लें और नीचे पेस्ट कर दें। नाम इसका आप रख दें आफ्टर, अब आफ्टर। ठीक है, अब इसमें आपने विड्थ 0 कर देनी है, हाइट 50 कर देनी है, और साथ साथ बॉर्डर रेडियस जो हमारे पास था वो हटा देना है, और उसकी जगह ओपेसिटी आप डाल दें 1। ठीक है, साथ में तीन चीज़ें और डाल दें, टॉप लेफ्ट जी इंडेक्स, तीनों 0 होंगी। और एनिमेशन पे आके आप -2 करके इधर 5S कर देंगे। अब रिलोड करते हैं अपना पेज। तो ये देखें, अब आपके पास ऐसा लेआउट आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ऐसा लेआउट आ रहा है। अब हमने आगे काम करना है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने की फ्रेम्स वाले वर्क पे। की फ्रेम्स में आपने प्री लोडर नाम लिखना है, प्री लोडर। अब इसके अंदर आ जाते हैं 0% के अंदर लेफ्ट -12 px, टॉप -12 px। ठीक है, इसे बंद कर दिया मैंने। अब आपने इसकी कॉपीज ले लेनी है, वो भी 5, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको करते हैं 25 और इसको करते हैं 52। इधर आप लिखेंगे 50 और इन दोनों पे आकर आपने लिख देना है 52। माइनस बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इस पे आके आपने 75% कर देना है और लेफ्ट को कुछ नहीं करना, टॉप पे 52 लिख देना है। ठीक है, और अब ये आखिरी काम इस पे आपने 100 कर देना है बस। अब हम आ जाते हैं अपने की फ्रेम्स प्री लोडर -2 वाले पे। -2 वाले पे आ जाते हैं, इसमें 0% के अंदर विड्थ लिखनी है जो कि होगी 0px। अब आ जाते हैं अपने 70% वाले पे। इसमें आप रखेंगे विड्थ 50px और ओपेसिटी 1। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कर लें नीचे पेस्ट करके। जो विड्थ वाला पोर्शन है उसको कट कर देना है और ओपेसिटी के नीचे पेस्ट कर देना है, और ओपेसिटी को 0 करके 70 को हमने कर देना है 90। ठीक है, और अब आप 90 वाले को कॉपी कर लें पेस्ट करके, इसको नीचे 100 कर दें और विड्थ 0 कर दें। अब अपना रीलोड करके चेक करते हैं। तो ये देखें, मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा लोडिंग लोडर आ रहा है। ठीक है, तो कल जिसको समझ नहीं आई वो मुझे नीचे कमेंट करके बताए, मैं उसकी मदद करूँगा, उसे समझा दूँगा। और अगर मैंने कोई गलती की है तो कमेंट करके बताएं मुझे। अगर मैंने कोई गलती भी की है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें।